सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 वचन 8 से। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 वचन 8 से। आइए देखते हैं। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है, न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास से यशाया कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर जब यशाया भविष्यवक्ता से बात किया और बात करने के बाद मनुष्य और अपने बीच के सोच विचारों के विषय में जब बातें कहा, तो उन बातों को परमेश्वर का दास हमारे और आपके बीच में रखते हुए हमें सुनाते, हमें बताते हुए कह रहा है कि वह यहोवा कहता है वह परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। कहता है ना ही तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर इसलिए मनुष्यों से कहता है कि नहीं, मेरे और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न मेरी गति न तेरी गति एक समान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसलिए कह रहा है क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय में जैसा परमेश्वर था और आज भी वैसा है और कल भी वैसा रहेगा, वह कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब मनुष्य के प्रति ध्यान दिया जाए तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय जैसा वह बनाया गया वैसा नहीं है, और फिर आने वाले समय की बात तो छोड़ो, क्योंकि जैसा बनाया गया था वैसा इस समय नहीं है, क्योंकि उस समय तो परमेश्वर ने पवित्र और पाक बनाया था, अपनी समानता में बनाया था, लेकिन इन्हें आज देखा जाए तो परमेश्वर की समानता मनुष्य के अंदर नहीं दिखाई देती, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार की गंदगी से भरा हुआ है और परमेश्वर सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब मनुष्य को बनाया उस समय परमेश्वर के काम करने के तरीके जैसे थे, वह जैसा उस समय काम करता था आज भी वैसा काम करता है और कल भी करता रहेगा। लेकिन मनुष्य की तरफ ध्यान दिया जाए तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय में मनुष्य तो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में जीवन जीता था, लेकिन अब देखा जाए तो मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध जीवन जी रहा है, क्योंकि उस समय जैसा था अब वैसा नहीं है और आगे आने वाले समय की बात तो छोड़ो, क्योंकि उस समय परमेश्वर पवित्रता का काम करता था, आज भी पवित्रता का काम करता और कल भी करेगा, लेकिन मनुष्य जब बनाया गया था उस समय तो पवित्रता ही में चल रहा था, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, उस पवित्रता को छोड़ दिया और वह अन आज्ञाकारिता में जीवन जीना चालू किया।
क्योंकि पहले जब बनाया गया था तो आज्ञा के अनुसार जीवन जीता था, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, उस आज्ञाओं को ठोकर मार दिया। वह अन आज्ञाकारिता में जीवन जीकर अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीना चालू किया। आज देखा जाए तो बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा है, और आने वाले समय की बात तो छोड़ो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं रह गए, क्योंकि जब मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया था उस समय तुम्हारे विचार मेरे विचार के समान थे, उस समय तुम्हारी गति मेरी गति के समान थी। लेकिन आज अगर मिलान किया जाए तो परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक मेल में नहीं हो पा रहे, वो मेल नहीं खा रहे, ना ही मेरी गति और ना ही तुम्हारी गति मेल खा रही है। कहता है मेरे और तुम्हारे, कहता है मेरे और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में जमीन और आकाश का अंतर हो गया है। सोच विचारों में, क्योंकि मनुष्य आज सोचता भी है तो बुराई की बातें सोचता है, विचार करता है तो जो करने के लिए विचार करता है, और जब करने की बातें आती है उसके विचार बदल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बदलने वाला बन गया है, लेकिन हमारा परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि मेरे और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में जमीन और आकाश का अंतर हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि ये जो जमीन और आकाश का जो अंतर बन गया है ना, इस अंतर को मिटाना चाहता है, फिर से एक दूसरे के समीप करना चाहता है। परमेश्वर हमसे करीब होना चाहता है, जो हम अपनी अपनी दूरी उस परमेश्वर से अपने आप को हम जो कि जमीन और आकाश के अंतर के समान दूरी बना लिए हैं, तो परमेश्वर उस दूरी को मिटाकर फिर से नजदीक आना चाहता है। तो नजदीक हम तभी आएंगे जब परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर की मानेंगे, उसकी आज्ञाओं में बनेंगे, उसके सामने आकर हम झुकेंगे और उसके नाम की जय जयकार करेंगे, उसका भय अपने अंदर रखेंगे, तब हम उसके समीप आएंगे और सच में उसकी समानता में बन जाएंगे। आमेन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बनो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ और योग्य प्रतिफल पाओ। आमेन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, जरूर है कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद प्रेमिमा करता है, इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता। हे पिता, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तू अपने अद्भुत सामर्थ्य को आने दे, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके सारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर। आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर लहू आया था, उस लहू के द्वारा इनके पूरे बदन को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से हे परमेश्वर इनके जीवन के सारे गंदे काम मिटने पाए, सारी बीमारियां मिट जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके मन को धो दे, इनकी बुद्धि को, इनके हृदय को, इनके आंखों को, इनके संपूर्ण जीवन को धो, ताकि तेरी पवित्रता ही इनके भीतर उतरने पाए। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप गुनाह ना होने पाए, इनके शरीर में जितनी बीमारियां प्रभु तेरे लहू के धुलने से वह नष्ट होने पाए, वो सारी बीमारी नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनकी ज्ञान इंद्रियों को बढ़ा मेरे प्रभु, अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। जितने नौकरी के तलाश में प्रभु ने नौकरी देकर आशीष दे, जितने रोजी रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जो काम धंधे रोजी रोजगार करने वाले उनकी कमाई के ऊपर बरकत होने दे मेरे महान परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो सेवकाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरे आत्मा का अनुग्रह हे परमेश्वर हर एक के भीतर उतरने पाए, और हर कोई आत्मा में भर कर तेरी सेवा करने पाए, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे मेरे प्रभु। रिगबा रंदो से लिगा बार अबा सिंधे ले रे वा सा काला हूँ रिगा बार रंदो सबार अबा सिंधे ले रे वा। महान परमेश्वर, तेरे आत्मिक अभिषेक से हर कोई भरे और आत्मिक सामर्थ्य में भरकर तेरी सेवा का काम करने पाए मेरे महान परमेश्वर। जितने बीमार लोग हैं उन बीमारों के लिए प्रभु आप प्रार्थना करते हैं कि अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु हरि को छू ले,
ताकि इनके शरीर के अंदर चाहे जो बीमारी हो निकल जाए, हर प्रकार के दर्द हो, पीड़ा हो, नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कोई भी प्रकार की लाइलाज बीमारियां निकल जाए, लाइलाज बीमारियां निकलने पाए। रेली गबा रेंदो शिलगा रवानदासा लवा सिंगे रेंदे ले। महान परमेश्वर, तेरी स्वर्गीय सामर्थ आज हर एक के ऊपर उतरने पाए। जितने बीमार इस आशीष को रिसीव कर रहे प्रभु, अभी तुरंत चंगाई पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके किसी अंगों के अंदर कोई तकलीफ हो तो अब भी जाने पाए, अभी प्रभु तेरा स्पर्श हो जाए, अब भी स्पर्श हो जाए, अब भी छू ले। रेवा संदगारा मंदेली वैश्वंदुलु, अभी 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 परमेश्वर की आशीष हर एक के जीवन में आ रही है, हर एक के जीवन में आ रही है जिनका नाम सोनी है। सोनी है आज उनके जीवन में प्रभु की महिमा उतर रही है, आज उनके जीवन में प्रभु की सामर्थ उतर रही है। उजाला उजाला के जीवन में प्रभु की सामर्थ उतरने जा रही है। रेली वासंदगर मंद शिखर अंधेले रिवासा काला। महान परमेश्वर, तेरी महिमा की सामर्थ हर एक के अंदर उतर नहीं पाए, हर एक के ऊपर तेरी महिमा की सामर्थ उतर नहीं पाए। ओ प्रभु, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे, अब भी हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे। अभी प्रभु का स्पर्श हो रहा है। यस 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 अक्षर से जिन भाइयों का नाम है, यस अक्षर से जिन भाइयों का नाम है, उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है। आज उनके जीवन में एक बड़ी सामर्थ आ रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हर एक को शु और हर एक को चंगा होने दे। हर एक को शु, अभी जिनके शरीर के अंदर चर्म रोग है, खाज खुजलियां, दाग धब्बे, अभी प्रभु का स्पर्श उन्हें मिल रहा है और आज से उस सारी तकलीफें जा रही है यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा उतरे, हर एक के ऊपर तेरी सामर्थ उतरे, तेरे लहू की सामर्थ उतरने पाए और हर एक को प्रभु तेरे नाम से जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। सुबह की प्रार्थना जितने ग्रहण कर रहे प्रभु, आज पूरे दिन ये आनंदित रहे, आज पूरे दिन ये बरकत में रहे, आज पूरे दिन ही परमेश्वर इनका जीवन तेरे स्वर्गीय आशीष से भरा रहे। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।